हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे या सीरियली जानेंगे कि क्या GPT-4 को जो नया LLM मॉडल एंथ्रोपिक कंपनी जो बोल रही है, क्या वो GPT-4 या जेमिनाई 1.5 प्रो से बढ़िया है या नहीं। बेसिकली एंथ्रोपिक ये कंपनी है जो AI मॉडल्स रिलीज करती है, उस वो क्लेम कर रही है जो क्लॉड 3 उनका नया LLM मॉडल आया है, उसके 3 वर्जन्स हैं, ओपस, सोनेट और एक और है। जो ओपस वर्जन जो है, क्लॉड 3 ओपस, वो GPT-4 और जेमिनी 1.5 प्रो से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उनका ये क्लेम है। और हम आज देखेंगे वो क्लेम कितना, किस हद तक सही है और बाकी लोगों की क्या राय है। मैं अपनी राय अपनी इस वीडियो के अंत में आपके सामने रखूंगा। बेसिकली के लिए ये क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए तीनों तीनों मॉडल से, क्लॉड 3 ओपस, GPT-4 और जेमिनी 1.5। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जब पूछा गया, आई हैव 3 मैंगोज टूडे, यस्टरडे आई एट 10 मैंगो, एंड हाउ मेनी मैंगोज डू आई हैव नाउ। इस क्वेश्चन को सारे AI मॉडल्स पास कर गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोलता है, इफ इट टेक्स 1 आवर टू ड्राई 15 टॉवल्स अंडर द सन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ड्राई 20 टॉवल्स। ओके, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है जिसको तीनों के तीनों AI फेल कर गए, तीनों के तीनों लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स सारे फेल कर गए। तो इसे आप समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट दैट AI इज नॉट मैथमेटिकली पावरफुल येट। ये उसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये तीनों के तीनों AI मॉडल्स मैथमेटिक्स में फेल कर गए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये थोड़ा लॉजिकल मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ये व्हाट्स हैवियर, ए किलो ऑफ फेदर्स और अ पाउंड ऑफ स्टील। इसका विनर था जेमिनी 1.5 प्रो एंड GPT-4, क्लॉड 3 ओपस इसको फेल कर गया। देख सकते हैं कि वो लोग बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, उनका जो मॉडल है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो GPT-4 को हर हर स्तर पे हरा दिया है, हर एक बार पे हरा दिया है, पर नहीं, वो ऐसा नहीं। मैथमेटिकली अभी भी GPT-4 इज बेटर देन व्हाट क्लॉड 3 ओपस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो क्लॉड 3 ओपस है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए, क्लॉड 3 ओपस का मैं आपको स्पेशल उसमें क्या खास मैं आपको बताता हूँ। क्लॉड 3 ओपस जो है बिजनेस फॉर्म्स के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, जनरेट 10 सेंटेंसेस दैट एंड विथ एन वर्ड एप्पल, उसका विनर क्लॉड 3 ओपस था। आप कहिएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो ChatGPT-4 भी और जेमिनी 1.5 भी जनरेट कर देगा ऐसे 10 सेंटेंसेस जो एप्पल वर्ड से एंड होते हो। पर देखिए, वो परफेक्टली जनरेट नहीं कर पा रहा है, सिंक्रोनस वे में जनरेट नहीं कर पा रहा है। पर क्लॉड 3 ओपस जो है वो परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड एंड परफेक्टली लॉजिकल ऐसे 10 सेंटेंसेस जनरेट कर दे रहा है जो क्या कहते हैं, एंड करते हैं वर्ड एप्पल से। ओके, अब देखिए, इसीलिए क्लॉड 3 ओपस की खासियत क्या है कि वो असिस्टेंट बहुत बढ़िया बन सकता है। मतलब कि आप जो इसको इंस्ट्रक्शन दीजिएगा ना एज ए टेक्स्ट के फॉर्म में, वो उसको फॉलो कर ले रहा है। ये उसे अब ChatGPT-4 और जेमिनी 1.5 प्रो यहाँ पीछे छूट रहे हैं। जो टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्टिंग जो करते हैं ना हम लोग, जैसे कि आप उसके AI सिस्टम को बोलिएगा ये कर दो, वो कर दो, ये बता दो, वो बता दो, तो वो क्लॉड 3 ओपस अच्छे से कर पा रहा है। पर इमेज की क्रिएटिविटी हो गई, मैथमेटिकल क्रिएटिविटी हो गई, कुछ क्रिएटिव काम हो गया ना, तो वो क्लॉड 3 ओपस नहीं कर पा रहा है। जैसे कि ये ऊपर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये थोड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन है, ये किलो ऑफ फेदर ज्यादा भारी है पाउंड ऑफ स्टील। ओके, ये क्रिएटिव क्वेश्चन है, तो इसको क्लॉड 3 ओपस नहीं कर पाया। तो वो बेसिकली एक ऐसा ही है जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर दे रहा है। अब हो क्या रहा है ना कि क्लॉड 3 ओपस से आप ऐसे काम भी करवा पा रहे हैं जो आप GPT-4 और जेमिनी 1.5 प्रो में बैन थे। आप क्लॉड 3 ओपस वो भी काम कर दे रहा है, ये भी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर दे रहा है, ऐसे ऐसे पोएम लिख रहा है, वल्गर पोएम्स भी लिख दे रहा है ये। अब लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है, नीडल इन ए हेस्टैक टेस्ट। ओके, NIH टेस्ट, उसमें क्या होता है कि पैराग्राफ दिया जाता है और आपको एक वर्ड दिया जाता है, आपको बताना होता है कि इस वर्ड ये पैराग्राफ में कहाँ पर है भी या नहीं, इसे बोलते हैं बहुत बड़ा पैराग्राफ में एक वर्ड खोजना है। इसका विनर भी जेमिनी 1.5 और GPT-4 था। हालांकि जो मॉडल निकला है, मॉडल की जो रिसर्च पेपर था, वो एक क्लेम कर रहा था कि NIH टेस्ट, नीडल इन हेस्टैक टेस्ट, वो पास कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन पता नहीं क्यों इस जगह ये फेल हो गया है रियल वर्ल्ड डेटा सेट पे ये। अब देखिए, एक और जगह ये बढ़िया है, ये क्लॉड 3 ओपस जो मॉडल है, गेस द मूवी टेस्ट, गेस द, जैसे कि कुछ पिक्चर्स दी गई उसको और पूछा गया मूवी का नाम, क्लॉड 3 ओपस उस पर जीत गया और GPT-4 जीत गया, जेमिनी 1.5 यहाँ लैग कर रहा है।
तो कहने का मतलब पूरा कंक्लूजन ये निकला है कि देखिए टेक्स्ट डेटा पे जैसे कि क्लॉट थ्री ओपस का जो टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग है ना, जो आप टेक्स्ट में लिख के उसको दीजिएगा वो थोड़ा ज्यादा है। जैसे कि आप उसको 2000 वर्ड का टेस्ट भी दीजिएगा वो समझ जाएगा, वो आपको वो आपका परफेक्ट असिस्टेंट बन सकता है चैट जी क्लॉट थ्री ओपस। इसलिए बिजनेस फॉर्म्स के लिए अच्छा है ये, और बिजनेस डेटा को भी अच्छे से समझ पा रहा है क्लॉट थ्री ओपस जो है, इसीलिए क्लॉट थ्री ओपस का थोड़ा हाइप बना है। पर इट इज वो हर फील्ड में जीपीटी फोर से अच्छा नहीं है। क्लॉट थ्री ओपस जो है वो क्रिएटिव उतना नहीं है, जीपीटी फोर जो है वो काफी क्रिएटिव है। क्लॉट थ्री ओपस जो आप कहिएगा वो कर देगा बहुत परफेक्ट तरीके से। यही है मॉडल, क्लॉट थ्री ओपस इज लाइक यू कैन कंसिडर इट असिस्टेंट। कोई रैंडमनेस इसके अंदर नहीं है, कोई क्रिएटिविटी ज्यादा नहीं है, वो जीपीटी फोर जेमिनी वन प्रो में ज्यादा दिखा है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब इट।